हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनी वेयर फॉर जेई मेन्स, जेई एडवांस्ड एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा एडवांस का एक प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से एक आपका मेन्स प्लस आपका बोर्ड्स और प्लस आपका एडवांस, ये तीनों कवर हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे, काफ़ी बूस्ट करेगा आपके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर आपको भी ऐसे वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं तो अपने क्वेश्चन का आप नीचे ड्राइव लिंक में अपलोड कर दीजिए, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। हम स्ट्रेटेजी वीडियोज वगैरह बनाते रहते हैं। तो क्वेश्चन इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट बी ऑन द स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। With focus S and S dash meets the tangent at the vertices A and A dash in the opposite points V and V dash, then आपको ये options check करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला है कि आपके पास एक ellipse है, there is one ellipse, standard है, मतलब x square by a square y square by b square is equals to one, no issues। ठीक है, इस पर कोई एक point है P, उस पर आपने एक tangent draw करी। ठीक है, प्लस आपने जो है एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस पे, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस पे टेंजेंट्स बनाई। कहाँ पे टेंजेंट्स बनाई? मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है उस पे टेंजेंट बनाई, यहां से ऐसे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाई और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाई। ये पॉइंट ए डैश था, ये पॉइंट ए था, जो होगा ए कॉमा जीरो और ये होगा माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन विच मीट्स द टेंजेंट एट वर्टिसेस इन पॉइंट वी एंड वी डैश, मतलब कि वी एंड वी डैश। ये इसका एस डैश और एक फोकस एस, दो फोकस इसके, दो इसके फोकस हो गए, फोका है मतलब। अब आप मान लीजिए इस पॉइंट को ये हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी वो कितनी हो जाएगी? एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन, राइट? ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अब आप देखिए, ये वाली लाइन तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए है और ये वाली लाइन आपकी x इज इक्वल्स टू ए है, राइट? अब अगर ये लाइन x इज इक्वल्स टू माइनस ए है तो ये पॉइंट माइनस ए कॉमा y क्या होगा? इस इक्वेशन में आप x की जगह माइनस ए रख देंगे, बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो यहां से y आ जाएगा a से a कट के वन प्लस सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा ये वन प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इधर जाएगा इंटू बी अपॉन साइन थीटा, राइट? ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस ए कॉमा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में इजीली लिख सकता हूँ, माइनस ए कॉमा वन प्लस कॉस थीटा इंटू बी अपॉन में साइन थीटा। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ए, इस इक्वेशन में आप एक्स इज इक्वल्स टू ए डालेंगे तो ये हो जाएगा ए बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन। यहाँ से कट जाएगा, वाई आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इंटू बी ओवर साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू बी ओवर साइन थीटा। तो ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा इंटू बी ओवर में कितना हो गया? साइन थीटा। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं इन ये वाला जो कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा जीरो है, तो यहां से मैं इससे ऐसे लिख सकता हूँ, जो ए डैश वी डैश है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा, क्योंकि ए तो दोनों का सेम है। तो ए डैश वी डैश हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इंटू बी अपॉन साइन थीटा। और सिमिलरली ए वी की वैल्यू हो जाएगी, यहां से ये ए कॉमा जीरो है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही है, तो ए वी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज वन माइनस कॉस थीटा इंटू बी ओवर साइन थीटा। ओके, अब आपसे पूछा है ए डैश वी डैश इंटू ए वी, ए डैश वी डैश इंटू ए वी वो बी स्क्वायर होगा कि स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डैश वी डैश इंटू ए वी, ए डैश वी डैश यहाँ से कितना आ जाएगा? वन प्लस कॉस थीटा इंटू में बी ओवर साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इंटू बी ओवर में साइन थीटा। ओके, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ऊपर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए डैश वी डैश इंटू ए वी किसके बराबर आ जाएगा?
बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए सही हो गया, बी गलत। वी डैश एस वी को 90 डिग्री चेक करना है, वी डैश एस वी मतलब कि ये वाला एंगल, वी डैश इंटू में एस इंटू में वी, इस एंगल को 90 डिग्री चेक करना है, राइट। दूसरे पेन से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये वाला जो एंगल है वी डैश इंटू एस, वी डैश एस डैश वी, दैट इज वी डैश एस वी डैश एस वी, वी डैश एस वी, ये एंगल चेक करना है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कॉमा जीरो। अब आप देखो, मैं आपको अलग से एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ, सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ ये दो पॉइंट्स होंगे, राइट। सिर्फ ये दो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका एलिप्स हो गया, राइट। ये था आपका टेंजेंट, ये पॉइंट पी था, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। ये इधर से जा रहा था, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट था ए और ये था वी। सिमिलरली ये इधर से जा रहा था, ऐसे टच होता हुआ जा रहा था, टेंजेंट समझ लो। ये हो गया वी डैश और ये हो गया ए डैश, ठीक है। ये हो गया एस और ये हो गया एस डैश और एस, ठीक है। अब आप देखो, ये वाला पॉइंट जो था पी पॉइंट था, तो पी एस सॉरी वी डैश एस और वी, ये एंगल आपसे पूछा है ना, इस एंगल को चेक करवा रहा है वो। तो इस एंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट कितना था, ए टाइम्स बी अपॉन साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, राइट। बी अपॉन साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, बी अपॉन साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, राइट। और ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट था माइनस ए कॉमा बी अपॉन साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो आप एक बार स्लोप ऑफ एस वी डैश निकालिए, वो कितनी हो जाएगी, अगर ये पॉइंट ए कॉमा जीरो है तो हो जाएगी ए ई प्लस ए अपॉन ए ई प्लस ए, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, तो जीरो माइनस आएगा, तो माइनस b अपॉन साइन थीटा वो ऊपर आ जाएगा और इनटू में वन प्लस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। सिमिलरली आप एक बार m ऑफ एस वी निकालिए, स्लोप ऑफ एस वी, स्लोप ऑफ एस वी आ जाएगा ए ई माइनस ए, सिमिलर लॉजिक से x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप होता है, तो आप m ऑफ s v डैश निकालेंगे तो वो जाएगा y2 माइनस y1 जीरो माइनस, दैट इज माइनस b इंटू वन प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज ए ई प्लस ए, ओके। s v हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस b 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू ए ई माइनस ए, राइट, ये हो जाएगा। अब आप दोनों के स्लोप का एक बार प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि 90 है कि नहीं। भाई इसका स्लोप अगर m1 है, इसका अगर m2 है और ये एंगल को 90 होना है, राइट, ये एंगल को 90 होना है, तो यहाँ से m1 m2 अगर माइनस वन हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ऑप्शन करेक्ट। तो m ऑफ एस वी डैश इंटू m ऑफ एस वी में निकाल रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस तो प्लस होके बी स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस ए इंटू ए माइनस ए हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, क्यों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर को आप लिख दीजिए वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये इससे मल्टीप्लाइड था उससे नहीं था, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए, इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल माइनस वन, इसका मतलब वो एंगल 90 है, कौन सा, वी डैश एस वी, वी डैश एस वी 90, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब आप देखिए, अगर ये एंगल 90 हो गया, अगर ये 90 हो गया तो इन द सिमिलर सेंस में सेम लॉजिक से कह सकता हूँ वी डैश एस वी, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब अगर आपको इसको पॉइंट साइक्लिक प्रूफ करना है, तो अगर आप मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँ और अगर ये सर्कल की डायमीटर हो, तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर से किसी भी एंगल एंड को आप ज्वाइन करते हैं, एंड पॉइंट से डायमीटर को, तो ये 90 डिग्री, तो ये सर्कल हो जाता है, इस पॉइंट का लोकस एक सर्कल हो जाता है। तो आप देखिए, इन दोनों लाइन्स को वी डैश वी और एस डैश, ये एंगल 90 डिग्री है, सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो यस दीज
ये जो सर्कल है ये वी वी डैश ऐसा डायमीटर से पास करेगा, इसका मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ना, ये जो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे इस सर्कल पे लाए करेंगे, तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वी डैश एस डैश वी एस या फिर एस वी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यों, क्योंकि ये सर्कल, इसके जो सारे वर्टेक्सेस हैं ये एक सर्कल पे लाया कर रहे हैं। और ये मैंने कैसे प्रूफ किया कि इस पॉइंट का जो लोकस है एस और एस डैश का लोकस इस सर्कल आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू वी एंड वी डैश, क्योंकि ये एंगल्स 90 डिग्री है। तो इसका आंसर डी भी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ए सी एंड डी, सो ए सी डी विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।